अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है कॉमेडी किंग्स और मैं हूं आपकी होस्ट नताशा अली। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में राउंड चल रहा है, प्रॉप राउंड, और हमारे कॉमेडी के शहजादे भेस बदल बदल कर आपको हंसाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि कॉमेडी किंग्स आपको हंसा हंसा कर थका देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का प्रोग्राम प्रॉप राउंड में। मैं पहले बुलाऊंगी अपनी आज की पहली टीम को। जी तो मैं स्टेज पर दावा देने जा रही हूँ चालबाज टीम से शकील शाह, जाकिर मस्ताना, सिकंदर सनम और वली शेख को। हाँ, दो गंजी एक साथ अजीब लग रहे हैं यार। एक इधर आ जाए ना। क्यों आ जाए? हैं? गंजों में इत्तेफाक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक बोला मैंने? हाँ बिल्कुल, आप अच्छा बोलती बोलती रहा करें। थैंक यू। बिल आ रहा है क्या हमारे? आप कुछ कहेंगे? नहीं, अल्लाह नहीं करे। अल्लाह ही करेगा, रशिया तो नहीं करेगा ना। आप है जी? आप नहीं? नहीं मैं नहीं बोलता। आपने मेरी सीट क्यों संभाल ली? हमारे टीम के पास मैचिंग देख। नहीं नहीं बस बस छोड़ दो। आप लोग प्रोग्राम को कंटिन्यू करें, मैं चेंज करके आती हूँ। जी तो गोलीबाज टीम से स्टेज पर दावत दे रही हूँ मैं रऊफ लाला, परवेज सदीकी और इस्लाम शाह को, और इनका साथ दे रही हैं सिद्रा शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आप अपने अब्बू के पास आए, मैं अपने अब्बू के पास। मुबारक हो, लग रहा है आप भारत पहुंच गई हैं। चले वो अपने अब्बू के पास, वो ये अपने अब्बू के पास। अरे भाई मुबारक हो भाई सिकंदर। क्या ताश में तीन गंजे निकले तेरे पास? मैं हार गया, मेरे पास एक ही था। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं खातून से बात कर लूँ ना पहले। जी जी बिल्कुल, खातून खातून से ही करेंगी बात। सिद्रा आप फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रही हैं स्टेज पे? नहीं करती तो रहती हूँ, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है यार भाई के लिए कॉमेडी करना मेरे लिए। अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा किया इन्होंने, इनके लिए तालियां होनी चाहिए जबरदस्त। रिजल्ट अनाउंस करने का टाइम आ गया है और चालबाज का लास्ट रिजल्ट था 69, लेकिन अब उन्हें मिले हैं 7 पॉइंट्स तो हो गया 76 पॉइंट्स। गोलीबाज का लास्ट रिजल्ट था 71, लेकिन अभी उन्हें मिले हैं सिर्फ 3 पॉइंट्स तो हो गए 74 पॉइंट्स। झिंगा लाला हुर, झिंगा लाला हुर, हुर हुर हुर। इससे पहले हम लोग भी कहते थे रऊफ लाला हुर, रऊफ लाला झिंगा लाला। कोई मतलब ये कि इसमें घबराने वाली बात नहीं है सिकंदर, आपकी मोटरसाइकिल चल पड़ी, कोई मसला नहीं है, हमारा ताला नहीं खुला, अल्लाह मालिक है, हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस दें ताकि हम इंशाल्लाह जहां आप हैं उससे भी आगे निकलने की कोशिश। इंशाल्लाह तालियां निकल जाएं। और अब इसी खूबसूरत बात के साथ जो रऊफ लाला ने बोली, अब आप लोग तशरीफ रखिए। लेकिन जाने से पहले एक बात करूंगा कि निताशा, शकील शाह, इस्लाम शाह, जिए शाह जबल में शाह, ओ जिए शाह जबल में। जी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं अपनी पहली परफॉर्मेंस से और मैं स्टेज पर दावा दे रही हूँ चालबाज टीम से अयाज सम्मो और सफदर हैदर को। और अब देखना इस परफॉर्मेंस में ये है कि एक खान साहब का फ्रिज खराब हो गया और वो किन प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। लेट्स सी। अपना काम करो यार, तुम लोग गलत समझते हैं। गलत तुम समझते हैं। कैसा दुनिया है भाई, अभी बस के अंदर मैं आ रहा था, एक आदमी दो सीटों के ऊपर छोड़ा होके बैठा हुआ है। मैंने कहा भाई जान थोड़ा तकलीफ करेंगे, तो मेरे को देख के कहता है उई इतना ठीक है। मेरे साथ तो अजीब और धोखा हो गया। मैं एसी लेके आया 1.5 टन का, घर में आके तोला तो 11 किलो का निकला है।
वैसे अब एक एक करके सामान मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, टीवी भी लाना पड़ेगा क्योंकि टीवी पे इतना अच्छा अच्छा प्रोग्राम आ रहे हैं। पिछले हफ्ते मैंने होटल में खड़ा होकर देखा, सिकंदर भाई मोटरसाइकिल बने हुए थे। मैंने देखा कि यार ये मोटरसाइकिल बन के जा रहे, किधर ने देखे एक मोटरसाइकिल लेके निकले और पेट्रोल पंप पे रुके। उनके सामने एक कार खड़ा हुआ था, इन्होंने कार वाले ने कहा कि 10 लीटर पेट्रोल डाल दो, उसने पेट्रोल डाल दिया। कार वाले ने कहा वाइपर मार दो, उसने वाइपर मार दिया। ये भी आगे बढ़े, कहने लगे भाई लीट पेट्रोल डाल दो, उसने पेट्रोल डाल दिया। कहने लगे मेरे को भी वाइपर मार दो, उन्होंने साइड में ले जाके इतना मारा। जाकिर भाई वाह वाह माशाल्लाह, इतनी दफा कुसरा बने हैं। कुछ ओ ना हो इनके बाल बड़े हो जाएंगे, अब तो इनको प्रोफ्स लेने की भी जरूरत नहीं है, भाभी के कपड़े घर से ले आते हैं। मैंने फ्रिज बुक कराया है, फ्रिज देखो मैंने खरीद तो लिया, किस्तों पे लिया है, अल्लाह खैर करे अच्छा निकले तो बेहतर है। ये खुद कैसे चल रहे हैं? एक मिनट, ये खुद कैसे चल रहे भाई? दुकान वाले ने बोला था ना घर जाके चलूंगा, रात को बांध के रखना कमरों में घुस जाता हूं। बहुत अच्छे, रात को बांध के रखना। अच्छा आप काम क्या करते हो, क्या काम है इस फ्रिज का? ठंडा करता हूं, बोल तो तुझे भी कर दूं। एक काम करो, मेरे वालिद साहब को कर दो, बहुत गर्म आदमी है। जेब में बर्फ डाल दूंगी। बर्फ भी डाल के देख लिया, इतने गर्म आदमी है कि एक दिन तो इतने गर्म हो गए कि अम्मी जान ने उनके सर पे रख के चाय गर्म की है। एक काम कर ले, क्या धनिया कूट के खिला दे, दुनिया का कोई हकीम गर्म नहीं कर सकेगा उनको। कोई और बताओ तरीका। घर में एसी लगा ले। एसी लगा, तुम एसी का बात कर रहे? मेरे वालिद साहब ने तो डीसी के पास गया, वो ठंडा नहीं कर सका, आखिर में डीसी गर्म हो गया। कोई और तरीका बताओ वालिद को ठंडा करने का। मार दे जान से। ये तो तुम बिल्कुल ही ठंडा कर रहे, इस तरह तो अम्मी भी ठंडी हो जाएंगी। वैसे बात बताओ, तुम में कितने खाने हैं? मेरे में 3 खाने हैं। सबसे नीचे वाला है थोड़ा कम ठंडा करता है, ऊपर वाला है थोड़ा ज्यादा करता है, ऊपर वाला है पूरा ही करता है। इसका मतलब है सबसे नीचे वाला असेंबली, उससे ऊपर वाला ऐवान सदर, और सबसे ऊपर वाला अगर ये दोनों ठंडे ना हो तो व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस में जो जाता है ठंडा हो जाता है। यार अगर ठंडा होता है तो उनका अमेरिका का सदर काला क्यों है? फ्रिज में कबाब भी तो रखता है। अच्छा ये बताइए भाईजान कि ये और इसके क्या फायदे हैं? इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या चीजें? सामान रखते हैं लोग, बड़े कमीने लोग होते हैं। क्या हुआ? मेरा नीचे का खाना इतना सा है, इतना बड़ा तरबूज डाल देते। इतना बड़ा तरबूज डालते, तरबूज के चक्कर में मौसमी का जूस निकल जाता है। जब खाने रख लिए तो फिर चीजों से डरना क्या? बर्दाश्त करो, मेरा तो प्रोग्राम तरबूज से भी आगे का है। यार मैं तो पहले रखेगा अंडे, फिर उस पे रखेगा मुर्गी, फिर जब मुर्गी अंडे पे बैठेगा ना फिर तेरे को पता चलेगा। ये लाला भाई, लाला भाई मेरे को ना औरतों पे बहुत गुस्सा आता है। क्यों? रात का बचा हुआ मिर्ची वाला सालन रख देती है यार। किस चीज पे? मिर्ची वाला सालन रख देती है ये औरत। मिर्ची से तेरे को क्या ताल्लुक? सारी रात मेरे को लगती है ना। ये इतना तुम हिल क्यों रहा है? अबे तूने ऊपर वाले खाने नस्वार की डब्बी रख दी है यार, निकाल, नशा हो रहा है। ये आप ये बताओ कि अंदर से आपके क्या पोजीशन है, अंदर और बाहर से? यार मैं अंदर से ठंडा हूँ, बाहर से गर्म हूँ। किसी दिन सो के देखेगा अंदर तो पता चलेगा कितना ठंडा है। यार एक बात बताऊँ, मेरे को सबसे ज्यादा मजा ना
मेमनों के घर पे आता है। मेमनों के घर में तो सबको ही मजा आता है। उनका तो शादी के अंदर भी छे दिन रमी हो रहा होता है, लगता है कि शादी है कि रमी कलब खुल गए। पता है मेमनों के घर में क्या होता है? क्या? 12 घंटे मुझे शराफत से चलाते हैं, कुछ नहीं डालते। भाई से मत रो, मेरा हंसी निकल जाता है। जैसे ही 13वां घंटा शुरू होता है, गुटके की पूड़िया। इतना गुटका डालते, इतना गुटका डालते, मैं गुटके में टुन हो जाता हूँ। फिर बोलते ऐसी, क्या हो गया? केस लीक हो गई। अब मेरे पास क्या हुआ? कंप्रेसर खुला है। किसी के पास पेचकस है? मैं देखू कोल के क्या क्या खराब हो गया। क्या हुआ? वोल्टेज ज्यादा आ गया था। तुम तो यार, तुमको लेके आए इतना नखरे तो बीवी के नहीं होता जितना पिरिच का है। क्या करूं यार, मेरा काम ही ठंडा करना है। तुम्हारा काम ठंडा करना नहीं, आजकल तो जिधर भी जाओ किसी से पूछो धंधा कैसा चल रहा है, ठंडा चल रहा है। किसी से बोलो मुल्क हालात कैसे, ठंडा है। किसी से पूछो हाँ भाई ये कारोबार में और ये सियासत में और ये नोटों में ये जो रेट क्या चल रहा है, वो ठंडा चल रहा है। तुम भी टंडा चल रहे, हम भी टंडा चल रहे। लोग बोलेगा क्यों, पिरिच का काम ही टंडा करना है। मैं तो बोलता है बात सुनो, इंसान में भी 3 खाना होता है, जैसे आप लोग में है ना, नीचे का खाना, ऊपर का खाना और सबसे ऊपर का खाना। सबसे पहला खाना, नीचे वाला खाना पेट। इंसान का जब पेट खाली होता है और परेशानियां होता है तो उसको अपनी बीवी भी बैंड नजर आ रहा होता है। और जब पेट भरा हुआ होता है और इधर उधर से माल आ रहा होता है तो तेरे जैसे से भी मोहब्बत हो जाती है। उससे ऊपर का खाना ये, इधर का ये दिल। जब दिल में उल्टे सीधे ख्याल आता है तो फिर आदमी का इधर से ट्रांसफर होता है ऊपर वाले व्हाइट हाउस में, दिमाग में। इसीलिए मैं बोलते हैं इधर को टंडा रखो, जब इसको टंडा रखोगे तो सारे काम टंडे तरीके से हो जाएंगे। लेकिन क्या करूं यार, मेरा तो काम ही टंडा करना है। तेरे तो काम ही टंडा करना है, कभी बगैर बिजली के टंडा कर सकते है? पहले तेरा पलक लगाओ, फिर इंतजार में रहो कि कब बिजली आएगा, कब टंडा होएगा। मजा तो जब है कि बिजली भी ना हो और तुम टंडा कर रहा हो। बोल ले इंसान, बोल ले। तुम लोग बड़े सुकून में बैठे हो, बहुत उछल रहे हो ना। किसी दिन फ्रिज बन के देखो, जब पूरे 12-12 घंटे सिलेंडर से गैस के पाइप तुम्हारे लगेंगे ना, जब गैस चढ़ेगी ना तो फिर लग पता जाएगा इंसान अच्छा के फ्रिज, इंसान अच्छा के फ्रिज। मैं तो बोलता है ना, इंसान अच्छा के ना फ्रिज, इंसानियत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। चलो भाई, जी तो चालबाज से देखी आपने इंसान, मजबूर इंसान और एक फ्रिज की स्टोरी, एक फ्रिज की परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल में ये जो फ्रिज होते हैं ये सच मुच इंसानों को बहुत तंग करते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस कैसी थी? बहुत अच्छी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ, और गोलीबाज से मैं इनवाइट कर रही हूँ स्टेज पे सलीम शेख और सलीम आफरीदी को। लेकिन एक मसला है छोटा सा इस परफॉर्मेंस में, ये देखना है कि एक लड़की और एक कंप्यूटर का आपस में क्या कनेक्शन है। तो देखते हैं। आवारा, छोड़ मेरा दुपट्टा कमबख्त। बेशरम, बेशरम कहेंगे लफंगे, उचक के आवारा। बताओ, लड़की का घर से निकलना दूभर हो गया है। मैं तो ट्यूशन गई थी, ट्यूशन से वापसी आई तो ट्यूटर मेरे साथ तक घर तक आ गया। अल्लाह माफ करे, इन लड़कियों का जीना बड़ा मुश्किल कर दिया है इन मर्दों ने। खुदा की कसम मैं आपको सही बता रही हूँ, मैं तो इनकी नज़रें, अल्लाह तोबा, इन मर्दों की नज़र किसी एक्सरे से कम नहीं। बताओ,
आंखों ही आंखों में अल्ट्रासाउंड तक कर लेते हैं। ये बदतमीज आवारा मर्द हम औरतों का जीना मुश्किल कर दिया है। इन मर्दों ने घर से निकलो तो ये छेड़ते हैं, बाजार चले जाओ तो कंधा मारते हैं, जवान तो जवान ये बूढ़े भी 30 नंबर का चश्मा लगाकर ऊपर से घूर रहे होते हैं। और कई खुसट तो ऐसे देखे मैंने कि वो चश्मा साफ करके देखते हैं, न जाने क्या देखना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता मैं कहाँ जाऊँ, अल्लाह माफ करे, खुदा की कसम इस डिजिटल दौर में मैं तंग आ गई हूँ, न जाने कौन सी बला मेरे पीछे पड़ गई है। अल्लाह कोई इससे मेरी जान छुड़ा दे, अल्लाह मैं तो फंस गई हूँ। ओ लाल दुपट्टे वाली अपना नाम तो बता, नाम तो बता, अपना नाम तो बता, अपना नाम तो बता, तू काम बता। कमबख्त ना हो, नया काम नहीं है वही पुराना काम है। कौन हो? तुम्हें छेड़ रहा था। तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां होते हो? मैं तो दुनिया के हर कोने में होता हूं, कोने कोने में होता हूं, यूनानियों के ड्राइंग रूमों में, अमेरिकन के ऑफिसों में, गोरों के बेडरूमों में, अफगानिस्तान की पहाड़ियों में, इराक के हंगामों में, बांग्लादेश की गलियों में, इंडिया की झोपड़पट्टियों में, ये समझ लो मैं इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी चिरांद हूँ। तो क्या तुम उसामा बिन लादेन हो? बकवास नहीं करो, मैं वो हूं इस वक्त जिसकी दुनिया में हुकूमत है। ओ बारिक ओबामा, तो तुम लगते नहीं। कौन हो तुम? मैं अपनी शिनाख्त कराता हूं, मदरबोर्ड मेरा जिस्म है, हार्ड डिस्क मेरा दिमाग है, प्रोसेसर मेरी सोच है, कीबोर्ड मेरे हाथ पैर है, और मेरी गुंजाइश 300 GB तक पहुंच गई है, और मेरी रफ्तार 4.5 MHz तक पहुंच गई है। ओह माय गॉड, जितनी निशानियां आपने मुझे बताई हैं, इस हिसाब से तो आप कंप्यूटर हैं। जवाब दुरुस्त है, ये कंप्यूटर आपका हुआ। क्या आप बदतमीजी हैं? आपका हुआ, जवाब दुरुस्त है। मुझे ये बताएं कंप्यूटर साहब, मेरे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा, ये कंप्यूटर बोलता भी है? कंप्यूटर हर काम कर सकता है, अब जरा कीबोर्ड पे तो उंगलियां फेरो। बस कीबोर्ड पे उंगलियां फेरो, फिर मेरी रफ्तार देखो, अम्मी अब्बू की पहुंच से दूर रखो, और वोल्टेज ज्यादा खराब हो तो स्टेबलाइजर इस्तेमाल करो। खैर छोड़े, कंप्यूटर साहब मुझे ये बताएं कि आप रहते कैसे हैं? जब तक बंद रहता हूं ठीक रहता हूं, ऑन होने के बाद कोई मुझे सुकून नहीं लेने देता, बड़े बड़ों वाला खेल खेलते हैं, बच्चे बच्चों वाला खेल खेलते हैं, और जवान चैटिंग के जरिए चीटिंग कर रहे होते हैं। मगर आपके जरिए नई नस्ल बिगड़ती जा रही है। झूठ, बिल्कुल झूठ, जितनी मैं तरबियत करता हूं बच्चे, बच्चा जितने अदब से मेरे सामने बैठता है अपने बाप के सामने नहीं बैठता। मेरा मतलब यह है कि आपके जरिए लड़के और लड़कियां मुलाकातें करते हैं। ये तो मेरा निजाम है, जो पैगाम मुझे मिलता है मैं आगे पहुंचा देता हूं। तुम जैसे इंसानों की तरह नहीं, किसी ने कुछ बात की आगे कहीं और लगा दी, जिसकी वजह से झगड़े होते हैं, अफवाहें फैलाते हो। देखा नहीं पिछले दौर में बत्ती क्या गई, लोगों ने हुकूमत गिरा दी। उई, आई, 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 क्या हुआ? आई, वायरस तंग कर रहा है। कौन सा वायरस? आई लव यू। क्या बदतमीजी है? वायरस का नाम है, 14 फरवरी को आता है, वैलेंटाइन डे वाले दिन। तुम फिक्र नहीं करो, मेरे में खुदकार सिस्टम है, मैं अभी मेकअप ही करता हूँ। मुझे ये बताएं कि आप रुकते भी हैं, कितना ही माउस घुमाओ, कितना ही क्लिक करो, मगर आप हैं के मानते ही नहीं।
क्यों? मुझे कह रही हो मानते नहीं, मुझे कह रही हो कि मानते नहीं। आजकल तो औलाद बाप की नहीं मानती, बीवी शौहर की नहीं मानती, पुलिस सच्चाई नहीं मानती, लीडर अवाम को नहीं मानता, कंडक्टर पैसेंजर की नहीं मानता, और तो और तुम बस आप तो शुरू ही हो गए। अभी कहाँ, कीबोर्ड पे उंगलियां रखो फिर मेरी रफ्तार देखो। एक बात बताओ, तुमने कभी मुझे इस्तेमाल किया है? जी नहीं। मुझे ये बताएं कि आपको कभी गुस्सा आता है? बहुत आता है, जब किसी को मुझे इस्तेमाल करना नहीं आता, उल्टी सीधी उंगलियां चलाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मगर क्या करूं, मेरे में वो सिस्टम है ही नहीं। मगर आप वो सिस्टम बना लें, क्योंकि आप तो कंप्यूटर हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सर काम कर सकता हूँ, मगर इंसान मुझ पर जितना घटिया काम कर सकता है मैं उतना ही घटिया कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा घटिया नहीं कर सकता। एक काम करो जी, मुझे मेरे मालिक से ख़रीद लो। मैं क्यों खरीद लूँ, मुझे तो कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता। मैं खुद सिखा दूँगा, फिक्र ना करो, किसी भी फाइल में जाओ मैं बुरा नहीं मनाऊँगा। कंप्यूटर चलाना नहीं आता लड़कियों, लानत तुम्हारी शक्ल पे। ये आजकल की लड़कियों ने मोबाइल सारा चलाना सीख लिया, एसएमएस कैसे किए जाते हैं सब पता है, इसमें बैलेंस कैसे मंगाते हैं सब पता है तुमको। नहीं पता तो कंप्यूटर नहीं पता। अरे तुम लड़कियों को तो लाजमी सीखना चाहिए। वो क्यों? सलमान खान के गाने लोड कर सकती हो उसमें। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू। जी नाज़रीन, मेरे ख्याल में कंप्यूटर पूरी दुनिया पे छा गया है, बल्कि हर इंसान पे भी छा गया है। हर इंसान अपना हर काम कंप्यूटर के जरिए करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आप ये बताइए कि हमारे कॉमेडी के इन दो शहजादों ने परफॉर्म कैसा किया? अब हम चलेंगे चार पास टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, खड़े खड़े में नाचूंगी हो। लड़कियों लड़कियों के तो मजे आ गए, फ्री घंटा पैकेज, सारी रात लड़के लड़कियां। वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हम बढ़ेंगे चालबाज टीम की तरफ, तो मैं स्टेज पर दावत दे रही हूँ शकील सदीकी और चांदपुरी को। लेकिन इस परफॉर्मेंस में देखना यह है कि एक सियासी कुर्सी और एक शादी की कुर्सी, इन दोनों का आपस में मसला क्या है, तो चलिए देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मैं कोई इस पे छोले रख के नहीं बेचती, कुर्सी हूँ मैं। चलो जाओ, लग रहे, चल जा यहाँ से, चल। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, खड़े खड़े में नाचूंगी हो, मैं खड़े खड़े में नाचूंगी। अरे यो शादी वाली कुर्सी, नाचना बंद कर। क्यों, तुझे बिल आता है? मैं कह रहा हूँ नाचना बंद कर। मैं तो नाचूंगी। राजा की आएगी बारात, मैं कह रहा हूँ नाचना बंद कर, यहाँ कोई बारात नहीं आएगी। क्यों, बारात का पेट्रोल खत्म हो गया? मैं कह रहा हूँ कि बारात नहीं आएगी, अगर नाचना है ना तो मेरी शादी पे नाच लियो। तू है कौन? है मैं सियासी कुर्सी। हाय, तेरा क्या हाल हो गया? क्या बताऊँ बहन, बताना क्या बताऊँ, मेरे में 100 बीमारियां हैं। हाय हाय, अल्लाह मेरा जानता है, जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है ना, हाँ, ये चोर चक्के गुंडे मेरे पे बैठ के तो फायदे उठाते हैं और कौमी खजाना लूट के निकल जाते हैं। तेरे से अच्छी तो मैं हूँ। वो कैसे? रोजाना एक दूल्हा बदलती हूँ। और कई कमबख्त मारे तो 3-3 दफा बैठ चुके हैं मेरे पे, रिपीट होते रहे मेरे पे। अरे एक बात बताऊं, मैं भी बहुत तकलीफ में हूँ। वो कैसे? अदनान समी नहीं था मोटा? हाँ हाँ, उससे भी मोटे मोटे दूल्हा मुझ पे बैठे। अच्छा, मेरा तो दम ही निकाल के उठते हैं मनुष ऐसे। एक तो इतना मोटा था, वो बैठा फंस गया, कमीना चीख रहा, कुर्सी फंस गई, कुर्सी फंस गई। मैं फंसने वाली लगती हूँ?
कमीने ने बदनाम करके रख दिया। मैं तो टेबल को मुंह ना लगाऊं। किसको? टेबल को मुंह ना लगाऊं, अलमारी मुंह खोल के खड़ा होता, उसको नहीं देखती मैं। अरे तू कैसी घटिया है, रोज एक दूल्हा बदलती है तू। तुम क्या फायदा, सिर्फ 12 बजे रात तक मुझ पे बैठता है, उसके बाद पता नहीं कहाँ जाता है मनहूस, पता नहीं कोई सुस्त भी होता है 3 बजे तक बैठ जाता है बस। अच्छा फिर पता नहीं कहाँ चला जाता है। अच्छा हाँ। अच्छा ये तो बता आजकल तेरे पे बैठा कौन है? मेरे पे तो एक बैठा नहीं रहा, पछता रहा है वो। क्यों पछता रहा है? नहीं बैठ के वजह सलमान खान, पूरी कौम पीछे पड़ गई, बैठ जा नहीं बैठ रहा। और वो आमिर खान को देखो, पछता के बैठ रहा है मनहूस, 2 दफ़ा बैठ चुका है। अच्छा ये बता आज तक तेरे पे नहीं मेरे पे कौन बैठा है? मेरे पे कौन नहीं बैठा, तेरे पे कौन बैठा है? हाँ। एक ही आदमी है। वो कौन? लालू प्रसाद यादव। अच्छा वो तेरे पे नहीं बैठे? नहीं बैठा, हालांकि शादी हुई थी बैठा ही नहीं। भैंस पे बारात लाया था ना अपनी, वो भैंस पे किसी कमीने ने घास देखा, भैंस उधर निकल गई, चीख रहा है कहाँ ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है। भैंस पे बैठ के फेरे लिए उसने। अच्छा किसी ने कहा भैंस पार्क कर दो, कहता नहीं कोई दूध निकाल देगा इसमें से। मेरी बात सुन, लालू प्रसाद बहुत अच्छे हैं, उसको अच्छा। बुरा ना कहो। क्यों? मुझसे बहुत प्यार करते हैं वो। अच्छा अल्लाह जानता है 12-12 घंटे मेरे पे बैठे रहते हैं। आए हाय। और उसके बाद अपनी बाड़ी को बैठा देते हैं। अपनी किसको? बाबड़ी को। राबड़ी को? हाँ राबड़ी है, बाड़ी क्या है, एक ही बात है। राबड़ी देवी को बैठा देते हैं। हाँ फिर बैठाते थे और मुझसे बड़ा प्यार करते हैं और मुझे अकेला नहीं छोड़ते। यार तुझ मेरा क्या है, मेरे पे तो आते हैं बैठते हैं निकल जाते, मुझसे अच्छा तो तू है। कैसे? देखना तेरे पे कोई भी बैठता 5 साल से पहले उतरने का नाम नहीं लेता है। और अपनी करतूत के से उतर जाता है 6 महीने में फिर बैठने की तैयारी शुरू कर देता है। मेरे में नशा ही इतना है। हाँ ये तो है, नशे में तो ये हाल हुआ तेरा। अच्छा ये बता कि तेरे पे कौन कौन बैठा है? मेरे पे बहुत सारे दूल्हे बैठे हैं, लेकिन 2-3 दूल्हे मैं भूलती नहीं हूँ। कौन से? शाहरुख की भी शादी हुई थी ना, इसी पे बैठा था मेरे पे। अच्छा तेरे पे बैठा था? हाँ ऐसा एंजॉय किया मैंने। अच्छा बैठा है वो, मैं तो बैठ ही गई। अच्छा जैसे बैठा ना काजी ने कहा कबूल है करा। काजी ने कहा कबूल है, कहता कहते देख बात को हंसी में मत टाल, पंगा लिया ना तो पूरा ले। कबूल है बोल। फिर बोला फिर उसने क्या? कबूल है, अरे हाँ कबूल है, ए कबूल है, बोलो ना कबूल है, अरे हाँ कबूल है, ए कबूल है, हाँ कबूल है, कबूल है। काजी खड़ा हो गया, कहने अबे चुप हो जा, क्यों पूरे तंबू की औरतों से तेरी शादी नहीं हो रही, एक से हो रही, 3 दफा बोल सिर्फ। फिर 3 दफा बोल के हटा वो। अच्छा उसके बाद? फिर उसके बाद नाना की शादी हुई। तेरे नाना की? अबे नहीं, नाना क्या नाम है उसका, फटीनेकर। अबे उसका नाम है नाना फटीनेकर। हाँ वो उसकी शादी हुई ना, उसको बोला मेरे पे बैठने के लिए, 1.5 घंटे का भाषण दे दिया मेरे को। वो क्या? ये कुर्सी सारी लड़वाती है, ये कुर्सी ये तबाह कर देती इंसान को। मैंने कहा मैं वो नहीं, ये है वो मनहूस। फिर मेरे पे वो बैठे, फिर उन्होंने बड़ा एंजॉय किया बैठने के बाद, कह रहे अच्छा है बहुत अच्छा है। मैंने कहा मेरे पे एंजॉय ना कर, अंदर जा। फिर गया। तूने सुना बहुत तरक्की? मैंने बड़ी तरक्की की है। अरे तेरे से ज्यादा तो मैंने तरक्की की है। तूने कहा कि तरक्की की है? आबादी नहीं बढ़ाई दुनिया में। तो मैंने गुर्बत नहीं बढ़ाई। पेट्रोल मैंने महंगा किया, चीनी मैंने महंगी की, पत्ती मैंने महंगी की, हर चीज तो मैंने महंगी कर दी। वेरी गुड, थैंक यू। दफा मनहूस तेरा सत्यानाश जाए, बेड़ा करा को तेरा, कहेगा थैंक यू। मैं तो कहती हूँ तू तेरा ही सारा किया दारा, पूरी दुनिया में टेंशन तेरी वजह से फैला है, सियासी कुर्सी। मैं कहता हूँ तुझे दिमाग खाए, तू दुनिया से ऐसे गायब हो जैसे गायब फिल्म में पब्लिक गायब हुई थी, तेरा बेड़ा गरक हो। मैं तो कहती हूँ चटाई सिस्टम होना चाहिए हर मुल्क में, हर मुल्क के 10-10-12 सियासतदान चटाई पर बैठेंगे तो मुल्क के हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। राजा जी, तो ख़वातीनों हज़रात आपने चालबाज टीम से अभी परफॉर्मेंस देखी, एक सियासी कुर्सी की और एक शादी की कुर्सी की। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि सियासी कुर्सियों का मसला आजकल कुछ ज़्यादा ही हुआ हुआ है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि हाउ वॉज द परफॉर्मेंस।
और अब बारी है गोलीबाज टीम की, और इस परफॉर्मेंस में हमें ये देखना है कि एक मोबाइल इंसान को कितना तंग कर सकता है और एक इंसान मोबाइल से कितना तंग आ सकता है। तो मैं स्टेज पे दावत देने जा रही हूँ इरफान मलिक और अली हसन को। अबे यार नहीं किया कर, कोई चीज इधर उधर हो जाएगी। हमेशा मना करता हूं मैं तेरे को। अरे दीवानो मुझे पहचानो, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन। तू डॉन नहीं है, तू अपने अब्बू का खुदा की तरफ से लिया हुआ लोन है। अबे गाना मैं नहीं गा रहा हूँ, ये मोबाइल में बज रहा है मेरे। तेरे मोबाइल में बज रहा है? हाँ। अबे तूने ये क्या काम शुरू कर दिया, अल्लाह माफ करे। कल एक आदमी को रोते हुए बोल रहा मेरे अब्बू घर नहीं आते, वो कहेंगे चलो फिर मैं ही चलता हूँ। अबे ये जब पैदा हुआ ना, इतना वजनी पैदा हुआ था, इसके बाप ने इसको उठाया, इसके बाप की नाफ ही उतर गई। और जब ये पैदा हुआ तो इसकी अम्मी बस से उतर गई, हाय मेरी जेब कट गई। ये हज पे गया, शैतान को कंकरियां मार रहा था, शैतान को कंकरियां मार रहा था, शैतान इसको क्या बोल रहा है, यार तुम तो ये हरकत ना करो, तुम तो मेरे आदमी हो। दो शैतान तो गिर गए। मेरी बातें कर रहा है, मेरी बातें कर रहा है, शैतान को कंकरियां मार रहे हंस रहा है। और बताओ जब हज पे सारे हाजियों ने मिलकर शैतान को कंकरी मारी तो ये फौरन गा पड़ा, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। एक दफा और करियो, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। 5 रुपए का और आएगा, 5 रुपए का। और बात सुन भाई, बड़ा अजीब आदमी है। कल मैंने तेरे को मोबाइल किया फोन, हाँ, उसमें से अजीब आवाज आ रही है, आपने जिस आदमी को फोन किया वो आदमी ठीक नहीं है। कल ये मोबाइल में अपना बैलेंस चेक कर रहा था, उस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, आपका बैलेंस आपके करतूतों की वजह से खत्म हो गया है। ये भी कल अपना बैलेंस चेक कर रहा था, बैलेंस के ऊपर लिखा हुआ आया, कंजूस के बच्चे तू बैलेंस कब डालता है। अच्छा एक बात बता, हाँ, ये बता आजकल कर क्या रहा है ये? आजकल मोबाइल फोन का काम कर रहा हूँ ना। नहीं यार। हाँ यार। अच्छा अबे कल मैं एक घर पे गया, हाँ, मैंने दरवाजा खटखटाया, हाँ, एक आदमी बाहर निकला, हाँ, मैंने आपका फोन खराब है, मेरे गाल पे हाथ फेर के बोला नहीं मेरी नीयत खराब है। लड़के और लड़कियों के तो मजे आ गए, फ्री घंटा पैकेज, सारी रात लड़के लड़कियां। सही बोल रहा है, लोड शेडिंग की वजह से लड़के इतने सियाने, 3-3 बैटरियां रखी हुई अपने पास। अच्छा एक खत्म होती है दूसरा लगा के, हाँ फरजाना बात करो, आप 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 बात करो। अबे सारी सारी रात लड़कियों से बातें करते, हाँ, और सुबह दफ्तर देर से जाने पर वहां पे बहाने कर रहे होते हैं, रात को लाइट गई हुई थी, मच्छर काट रहे थे सर, माफ कर दो। सही बोल रहा है तू बे, हाँ? अबे लड़कियां तो सिर्फ मिस कॉल मारती हैं, खर्चा तो लड़कों का होता है। लड़के जो है ना मोबाइल में बैलेंस लोड करते फिर फोन करते, हाँ फरदाना तुमने मिस कॉल मारी थी, तुमने मैसेज किया था कैपरी पे मिल रही हो ना जानू। सही बोल रहा है, लड़कियां सिर्फ एक ही मैसेज करती हैं, बैलेंस खत्म हो गया, बैलेंस डलवा दो। और बैलेंस डलवाने के बाद जब उसी लड़की का फोन बिजी आ रहा होता है तो वही लड़का टेंशन में आ जाता है, बैलेंस तो मैंने लोड कराया था, ये किधर बिजी हो गई यार। है? यार ये मोबाइल की बातें छोड़ यार, हाँ मेरी शादी करवा दे, लाहौल वाला कुवत। अच्छा वह इसमें लाहौल वाला कुवत के, के, के क्या बात है? तू भी शादी करेगा? क्यों नहीं, मैं क्या अंगूर लेने आया हूँ? अबे तेरा तो सारा नेटवर्क ही खराब है, तू क्या करेगा शादी करेगा? एक दफा सेंड तो करा। फिर देख बैल बजती है कि नहीं। एक दफा सेंड करा बस तू। अबे लड़कियां तू जैसे लड़कों से फोन पर बात करना पसंद नहीं करती। अबे तू एक दफा ट्राई तो करा के देख, 3-4 साल में 2-3 SMS ना हो जाए तो कहना। तू अपना वॉलपेपर तो देख, तेरा तो वॉलपेपर ठीक नहीं है।
तू एक दफा सेटिंग में भेज के तो देख, पागल ना हो जाए तो कहना। एक मिनट देखिए क्या कर रहा है, तेरी तो फोन बुक भी खाली है। फोन बुक छोड़, फन बक्स देख, एक से एक गेम है। एक मिनट, ये क्या कर रहा है, तेरा तो पावर टून भी ठीक नहीं है। पावर टून को छोड़, तू सेटिंग में भेज, मजा आ जाएगा ईमान से। अच्छा एक मिनट, अपना मोबाइल दे जरा। क्यों, मोबाइल तो देना, बात करनी है। एक मिनट, कौन सा मोबाइल दे रहा बे, इससे कौन अबे वो, अच्छा कॉल करनी है मेरे को। अच्छा कॉल करनी है, अच्छा ओरिजिनल मोबाइल की बात कर रहा है। अच्छा अच्छा, बैलेंस है ना इसमें? हाँ बैलेंस है, बैलेंस है। पक्की बात है? पक्की बात है, ठीक है। पकड़। क्या हो गया पागल के बच्चे, इसमें बैलेंस ही नहीं है। अबे इसमें बैलेंस है, मैं कह रहा हूँ इसमें बैलेंस नहीं है। अबे इसमें बैलेंस है, मैं कह रहा हूँ बैलेंस नहीं है। मैं बोल रहा हूँ बैलेंस है, बता कहाँ है, बता। ये देख बैलेंस है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ इसमें कॉमेडी का थी। ये कॉमेडी तेरे बाप ने की है बच्चे? ये कॉमेडी किसने की है, ये तूने किया क्या कॉमेडी? क्या हो गया, क्या बोलता है कॉमेडी? अबे सिकंदर भाई अपने चेले को समझाओ, अपने चेले को समझाओ, तुम समझा यार? तो बात सुनो तो यार, इस तरह खड़े होके बोलने की क्या जरूरत है, मतलब ये आप किस तरह लहजे में क्या बात कर रहे हो? तेरे बाप ने किया कॉमेडी यहाँ पे यार, पब्लिक रिस्पांस देख के यार क्या हो गया? चल दफा उधर से खड़ा को यार, हम लोग तो हर एक की परफॉर्मेंस में अप्रिशिएट करते हैं, क्या हो गया वली यार, इस तरह करते हैं यार सब लोग? हाँ यार, अगर यार यार आई एम सॉरी यार कामरान भाई, अगले एपिसोड में या तो आप इनको बिठा लेना या हम लोग नहीं बैठेंगे। ख्वातीनों हजरात, जहां पर होते हैं बहुत बड़े बड़े मुकाबले कॉम्पिटिशन्स, वहां पे थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आ जाती है, लेकिन डोंट वरी, हम लोग कोशिश करेंगे कि इस मसले को सुलझा कर आपके लिए अगला प्रोग्राम इससे भी ज्यादा खूबसूरत तरीके से पेश किया जाए। आप लोग ये बताइए इस सारे मसले को भूल के कि आपको इस प्रोग्राम में हमारे कॉमेडी किंग्स की परफॉर्मेंस कैसी लगी, दोनों टीमों की परफॉर्मेंस कैसी थी। आप वोटिंग कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, और सबसे मज़े की बात तो अब ये है कि आप कॉमेडी किंग्स की अपडेट्स हासिल कर सकते हैं अपना कराची FM 107 और रेडियो आवाज़ पर भी। अब इन्हीं सब बातों के साथ और ये जो थोड़े से मसले मसाइल हो गए हैं इनके साथ, हंसते मुस्कुराते अपनी होस्ट नताशा अली को कॉमेडी किंग्स से दीजिए इजाज़त, और उम्मीद रखिएगा कि हम लोग अगले हफ्ते आपके लिए एक बहुत मज़े का प्रोग्राम लेकर आने वाले हैं और मज़े का राउंड भी लेकर आने वाले हैं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज। हमारी टीम है चालबाज और मैं हूँ उसका कैप्टन, और हमें जिताने के लिए प्लीज SMS कीजिए, और SMS के लिए हमारा एड्रेस है CK SPACE CB और सेंड कर दीजिए 2791 पर। याद रखिए हमारा SMS एड्रेस, और हमें ज्यादा से ज्यादा SMS करें ताकि हम आपके वोट से हम आगे आ सकें और जीत सके। हाय व्यूअर्स, गोलीबाज टीम की तरफ से हम दो यानी एक ही जोड़ी हाजिर है, दूसरी जोड़ी कुछ नाराज हो गई है, और यकीनन हम मना लेंगे क्योंकि हम दोनों ही उनके सीनियर्स हैं, और सीनियर मना लेते हैं जूनियर्स को। लेकिन आप अपना काम याद रखिएगा, आपने वोटिंग करके गोलीबाजों को जिताना है, और हमारा एड्रेस है CK SPACE GB और सेंड कर दीजिए 2791 पर।
याद रखिए गोलीबाज।